हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज मैं आप लोगों को प्रोग्राम बताऊंगा कि टू डिफरेंट एरेज के अंदर हम लोग कॉमन एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर दो एरे है, फर्स्ट एरे आ गया 4, 3, 7, 9 एंड 2। ओके, एक एरे ये आ गया, देन एक और एरे यहाँ पर मैंने बना दिया, फॉर एग्जाम्पल 5, 1, 4, 8 एंड 3। ओके, तो दो एरेज है यहां पर जिसके अंदर 4, 4 यहां पर है, हाँ जी 4 यहां पर भी है, देन 3, 3 भी यहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पर 4 एंड 3 जो है ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स है जो दोनों एरे के अंदर आ गए। तो ये चीज, ये एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाला प्रोग्राम करने के मैं आप लोगों को टू वेज बताऊंगा। फर्स्ट वे हो जाएगा बाय यूजिंग फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, एंड सेकंड वे मैं आप लोगों को बताऊंगा बाय यूजिंग हैश सेट। ओके, तो दोनों वेज आप लोग ये देखो। तो देखो मैंने क्या किया, ये दोनों लिस्ट एरे के अंदर स्टोर करवा दी। ओके, इस एरे का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है ARR1 और इस एरे का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है ARR2। ओके, ये दो एरेज मैंने यहां पर ले ली। अब सिंपली हम लोग क्या लॉजिक पार्ट लगाएंगे, मैं क्या करता हूं, किसी भी एक एरे के हर एक एलिमेंट को मैं चूज कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ARR2, मैंने क्या किया यहां पर 5 एलिमेंट चूज किया, और मैं क्या करूंगा 5 को इस वाले एरे के अंदर हर एक एलिमेंट से चेक करूंगा कि ये वाला एलिमेंट इससे मैच कर रहा है, नहीं इससे मैच कर रहा है, नहीं, मैं हर एक एलिमेंट को उससे मैच करवाता जाऊंगा। अगर मैच हो जाता है दैट मींस के वो डुप्लीकेट एलिमेंट और वो उस वाले एलिमेंट को प्रिंट करवा देगा, देन मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वाले एलिमेंट को लूंगा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से अगेन मैच करवाऊंगा। अगर कोई भी एलिमेंट इस वाले एरे के किसी भी एलिमेंट से मैच हो जाता है तो अगेन मैं इस वाले एलिमेंट को प्रिंट करवा दूंगा। ओके, तो ये तो है सिंपल लॉजिक। कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर सिंपल एक फॉर लूप लगा देंगे, डेट इज एंट आई इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज जीरो से ही हर एक की इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी, देन आई शुड बी लेस देन ARR1 ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ARR1 डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, मैंने एक फॉर लूप लगा दिया जो क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स करेगा और इसके इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अगेन 0, 1, 2, 3 एंड 4, जितने मर्जी हम लोग एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो ये वाला फॉर लूप मैंने लगा दिया इस वाले एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए। देन मैंने यहां पर एक और फॉर लूप लगा दिया, एंड जे इक्वल्स टू जीरो, जे शुड बी लेस देन ARR2 डॉट लेंथ, कंडीशन मैंने प्रोवाइड कर दी और ये हो गया फॉर लूप। ओके, तो यहां ये जो फॉर लूप है ये किस चीज के लिए, इस वाले एरे को ट्रेवर्स करवाने के लिए। ओके, और फिर मैं यहां पर क्या कर दूंगा, इफ कंडीशन लगा दूंगा ARR1i equals to ARR2 of J। मैंने यहां पर क्या कंडीशन लगा दिया है कि अगर कोई भी एलिमेंट ARR of 1 का कोई भी एलिमेंट अगर इक्वल होता है किसके, ARR2 के किसी भी एलिमेंट से अगर वो मैच हो जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा उस वाले एलिमेंट को प्रिंट करवा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ARR1 ऑफ आई। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, सिंपली एलिमेंट को यहां पर प्रिंट करवा दिया ARR1 ऑफ आई, दैट्स इट। तो ये इफ ब्लॉक हो गया, ये फॉर हो गया एंड ये फॉर हो गया, क्लियर है चीज। तो कैसे काम करेगा, देखो सिंपल, आई की वैल्यू क्या है 0, कंडीशन ट्रू है, ARR1 डॉट लेंथ तो इसकी लेंथ क्या है 5, 0 इज स्मॉलर देन 5। ओके, तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा J की वैल्यू क्या है यहां पर 0, अगेन कंडीशन ट्रू है,
नीचे आएगा क्या ए आर आर वन ऑफ आई, ए आर आर ऑफ जीरो, आई की वैल्यू क्या है जीरो, इक्वल्स टू ए आर आर टू ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या है जीरो। तो क्या फोर फाइव के इक्वल है? नहीं है, वो इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। देन अगेन कंडीशन टू है, फिर नीचे आ जाएगा ए आर आर वन ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है जीरो। तो क्या ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है? बिकॉज जे की वैल्यू क्या है वन। तो क्या जीरो पोजीशन पर एलिमेंट वो वन पोजीशन वाले एलिमेंट के इक्वल है? नहीं है, अगेन इफ के अंदर नहीं आएगा। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। ओके, देन अगेन चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आ जाएगा ए आर आर वन ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है जीरो एंड जे, जे की वैल्यू क्या है टू। तो क्या जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट वो टू पोजीशन वाले एलिमेंट के इक्वल है? ये अब के बार मैच हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी, नीचे आएगा और फिर वो क्या कर देगा ए आर आर वन ऑफ आई, तो वो क्या कर देगा जीरो पोजीशन वाले एलिमेंट को प्रिंट करवा देगा। ओके, देन अगेन ये क्या करेगा, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री हो जाएगी। तो थ्री होने के बाद फिर से ये मैच करेगा, अगेन क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। क्या फोर इसके इक्वल है? नहीं है। देन लास्ट में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर वन हो जाएगी। ओके, तो अब के बाद ये क्या करेगा, इस वाले एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से मैच करेगा। अगेन यहां पर क्या होगा, जे की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होकर एंड तक चलेगी, तो ये वाला एलिमेंट भी यहां पर फोर्थ पोजीशन वाले एलिमेंट से मैच हो जाएगा। तो अगेन ये क्या करेगा, थ्री प्रिंट करवा देगा। देन नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। जब जे के थ्रू पूरा एरे ट्रेवर्स हो गया, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी, टू हो जाएगी। देन क्या ये वाला एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से मैच हो रहा है? नहीं। फिर नाइन किसी भी एलिमेंट से मैच हो रहा है? नहीं। टू किसी भी एलिमेंट से मैच हो रहा है? नहीं। तो ये एट लास्ट फोर एंड थ्री आउटपुट डिस्प्ले करवा दे। ओके, तो ये है सिंपल लॉजिक जिसके थ्रू हम लोग दो एरेज के अंदर कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते। ओके, इस वाले मेथड के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल फोर दोबारा से रिपीट हो जाता, फिर फोर फॉर एग्जाम्पल यहां पर उसको मिल चुका है, उसने ऑलरेडी प्रिंट करवा दिया, बट जब दोबारा से फोर आया तो वो क्या करेगा, फिर से मैच करेगा, यहां पर उसको एलिमेंट मिलेगा और वो फिर से फोर प्रिंट करवा देगा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला लॉजिक थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, जब यहां पर ज्यादा रिपीटिंग एलिमेंट्स है, इस एरे के अंदर रिपीटिंग एलिमेंट्स है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लास्ट में जो आउटपुट आ रही है, जो ये प्रिंट करवा रहा है, डायरेक्टली प्रिंट करवाने की जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग सेट के अंदर पुट करवा देते हैं। जितने भी एलिमेंट्स है हम लोग क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को सेट के अंदर पुट करवा देंगे। अब सेट के अंदर फोर एलिमेंट ऐड हो जाएगा, सेट के अंदर थ्री भी ऐड हो जाएगा, बट सेट के अंदर फोर ऐड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर नहीं करवा सकता। ओके, तो फिर मैं क्या करूंगा, एट लास्ट सेट के अंदर पुट करवा दूंगा एलिमेंट्स को और वो वाले एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दूंगा। ओके, तो ये लॉजिक है जिसके थ्रू हम लोग कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं टू एरेज के अंदर। ओके, तो ये वाला पार्ट मैं एक बार आपको सारा का सारा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देखो मैंने यहां पर नोटपैड ओपन किया, देन एक क्लास क्रिएट कर दी कॉमन एलिमेंट्स वे वन, मैंने लिख दिया यहां पर वन। देन मैंने यहां पर मेन मेथड क्रिएट कर दिया, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और मैंने यहां पर दो एरे ले लिए, दैट इज एंट ए आर आर वन इक्वल्स टू, एरे के अंदर एलिमेंट्स पुट करवा दिए 4 3 7 9 2। ओके, और एक और मैंने यहां पर एरे ले लिया, दैट इज ए आर आर टू, और इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स को पुट करवा दिए 5 1 4 8 एंड 3। ओके, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पर एक फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर एंट आई इक्वल्स टू जीरो, देन आई शुड बी लेस देन ए आर आर वन डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके, तो फॉर लूप मैंने यहां पर लगा दिया, देन इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लगा दूंगा, एंट जे इक्वल्स टू जीरो,
जे शुड बी लेस देन ए आर आर टू डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। तो मैंने यहां पर एक और फॉर लूप लगा दिया, और फिर मैं यहां पर कंडीशन लगा दूंगा, इफ ए आर आर वन ऑफ आई इक्वल्स टू ए आर आर टू ऑफ जे, अगर ये मैच हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, एलिमेंट्स को यहां पर प्रिंट करवा देगा, डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आर आर वन ऑफ आई, और मैं यहां पर स्पेस प्रोवाइड कर देता। ओके, तो ये है सिंपल लॉजिक। एक बार हम लोग इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, कॉमन एलिमेंट्स वन डॉट जावा के नेम से सेव कर दिया, देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, डी ड्राइव के अंदर गए, देन सीडी स्पेस जावा प्रोग्राम्स, जावा सी स्पेस कॉमन एलिमेंट्स वन डॉट जावा, प्रोग्राम को कंपाइल किया, एंड जावा स्पेस कॉमन एलिमेंट्स वन रन किया, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, फोर एंड थ्री, ये बोल रहा है कि फोर एंड थ्री ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। ओके, बट अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर दोबारा से फोर लिख दिया, तो अब की बार देखें, मैंने यहां पर सेव किया, देन अगेन कंपाइल किया, देन रन किया, तो ये देखो अब की बार इसने फोर को दोबारा से प्रिंट करवा दिया, बट फोर तो एक ही बार आना चाहिए था। तो ये सिर्फ इतना सा लॉजिक अगर आप लिखते हो तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहां पर सिंपली क्या कर सकते हैं, फिर अगर एक ही इसके अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर सिंपली मैं एक काम कर देता हूं, हैश सेट, मैंने यहां पर हैश सेट क्रिएट कर दिया, इंटीजर एच एस इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, मैंने यहां पर हैश सेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और हम लोग यहां पर हैश सेट को ऊपर की साइड इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट हैश सेट, हैश सेट क्लास को मैंने इंपोर्ट करवा दिया, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं जेनरिक्स। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पहले डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवाऊंगा, मैं सिंपली क्या कर दूंगा, पहले इसको हैश सेट के अंदर ऐड कर दूंगा, एच एस डॉट एड ए आर आर वन ऑफ आई, मैं क्या कर दूंगा एलिमेंट्स को एच एस के अंदर ऐड करवा दूंगा, और अब आप क्या कर दो, फॉर लूप के थ्रू हैश सेट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दो। तो मैंने यहां पर फॉर ईच लूप लगा दिया है, इंट नंबर कॉलन एच एस, और फिर मैं यहां पर एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दूंगा। ओके, और फिर मैंने यहां पर स्पेस भी प्रोवाइड कर दी है, क्लियर है। तो अगेन हम लोग इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर देते हैं, देन मैंने यहां पर प्रोग्राम को कंपाइल किया, देन अगेन रन किया, तो ये देखो ये सिर्फ थ्री एंड फोर दो ही एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहा है इस बार। ओके, पिछले केस में ये क्या कर रहा था, फोर थ्री एंड फोर इस टाइप से प्रिंट करवा रहा था, बट इस बार उसने प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड किया कि थ्री एंड फोर एलिमेंट्स ही डुप्लीकेट है। अगर मैं यहां पर एट कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल एट यहां पर भी है, एट यहां पर भी है, तो अगेन मैंने प्रोग्राम को सेव किया, देन अगेन कंपाइल किया, देन रन किया, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, थ्री एंड फोर। ओके, और अगर एट मैं यहां पर भी कर देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, अगेन प्रोग्राम को सेव करो, देन कंपाइल किया, रन किया, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, थ्री फोर एंड एट। ओके, तो इस टाइप से हम लोग दो एरेज के अंदर कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट और लगा देते हैं। ब्रेक से क्या होगा कि एक बार जब उसको एलिमेंट मिल गया तो लिस्ट में फर्दर चेक नहीं करेगा, मीन्स जैसे फोर है, फोर इसको ये यहां पर मिल जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, आगे के लिस्ट को ट्रेवर्स नहीं करेगा। तो मैंने सिंपली यहां पर क्या करवा दिया है, इस वाले फॉर लूप को ब्रेक करवा दिया, तो ये क्या होगा, बहुत बड़ी लिस्ट, अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर इस लिस्ट के अंदर, तो ये थोड़ा टाइम कम लेगा, अदरवाइज अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता हूं तो एक टाइम वेस्ट करता रहेगा बाकी के एलिमेंट्स को भी मैच करवाने। ओके, तो अगेन मैंने यहां पर प्रोग्राम को सेव कर दिया, देन अगेन कंपाइल किया,
रन किया तो ये देखो ये आउटपुट प्रॉपर डिस्प्ले करवा रहा है 3, 4 एंड 8, ओके। और 8 को अगर मैं यहां पर रिमूव कर देता हूं, देन अगेन सेव किया प्रोग्राम, कंपाइल किया, रन किया तो ये देखो ये आउटपुट दे रहा है ओनली 3 एंड 4, क्लियर है ये चीज। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप सिंपल फॉर लूप लगाते हो तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये लॉजिक पार्ट तभी चलेगा, तभी सही ढंग से एग्जीक्यूट होगा अगर आपके पास दोनों लिस्ट के अंदर डुप्लीकेसी नहीं है। मींस इस लिस्ट के अंदर जैसे 4 एक बार आ गया तो इस लिस्ट के अंदर दोबारा से 4 एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर जैसे 8 आ गया तो इसी लिस्ट के अंदर 8 दोबारा से नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेसी नहीं है, सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं दोनों एरे के अंदर, फिर ये वाला लॉजिक हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है, दोनों एरे के अंदर डुप्लीकेसी है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हैसेट और ले लेंगे, हैसेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, हैसेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करवाकर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे और हैसेट को हम लोग यहां पर प्रिंट करवा देंगे, ओके। तो ये था सिंपल लॉजिक। अगर आपको दो एरे के अंदर कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि सिंपल फॉर लूप के थ्रू हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अगर आपको इसको इस वाले लॉजिक को इफेक्टिव बनाना है तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट और लगा देंगे, ओके। बट अगर आप सिर्फ फॉर लूप ही लगा रहे हो, दो फॉर लूप के थ्रू ही करना चाहते हो, तो ध्यान रखना एरे के अंदर डुप्लीकेसी नहीं होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये आउटपुट करेक्ट डिस्प्ले करवा देगा। अगर आपके पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं एक ही एरे के अंदर, तो फिर हमें क्या करना है, मैं डायरेक्टली यहां पर प्रिंट करने की जगह पर हैश सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा और हैश सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को, जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों एरे के अंदर, मैं क्या करूंगा, उनको हैश सेट के अंदर एड ऑन करवाता चला जाऊंगा, ओके। और फिर मैं हैश सेट को एट लास्ट प्रिंट करवा, क्लियर है दिस। तो ये तो था सिंपल लॉजिक अगर आपको फॉर लूप के थ्रू करना है तो। अब मैं बताता हूं आपको सेकंड वे बाय यूजिंग हैश सेट। तो हैश सेट के थ्रू कैसे करना है वो लॉजिक एक बार यहां देखो। तो यहां पर भी मैंने एज्यूम कर लिया है कि दोनों एरे के अंदर यूनिक एलिमेंट्स है, डुप्लीकेसी नहीं है, ओके। तो लॉजिक पार्ट देखो, देखो मैं सिंपली क्या करूंगा, हैसेट नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा, ओके। अब हैसेट के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ARR1 के एलिमेंट्स को इंसर्ट करूंगा, तो 4 इंसर्ट हो जाएगा, 3 इंसर्ट हो जाएगा, 7 इंसर्ट हो जाएगा, 9 इंसर्ट हो जाएगा एंड 2 इंसर्ट हो जाएगा, ओके। देन मैं क्या करूंगा, ARR2 के एलिमेंट्स को भी मैं यहां पर एड ऑन करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ARR1 के एलिमेंट्स को ऐड करवा दिया, देन ARR2 के एलिमेंट्स को मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूं, ओके। अब यहां पर क्या होगा, 5 ऐड होगा, 5 ऐड हो जाएगा, देन 1 भी यहां पर ऐड हो जाएगा, देन 4 ऐड करेगा तो उसको ऑलरेडी 4 एलिमेंट यहां पर मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, 4 को ऐड नहीं करेगा और मैं सिंपली क्या कर दूंगा, 4 को प्रिंट करवा दूंगा, 4 मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। देन 8 है यहां पर नहीं है तो 8 भी ऐड हो जाएगा, देन 3 भी इसको यहां पर दिखेगा तो अगेन हैश सेट डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करवाता, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, 3 यहां पर स्टोर नहीं होगा तो मैं 3 को भी प्रिंट करवा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एरे के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये सिंपल लॉजिक, क्लियर है चीज। तो इस पार्ट के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगा, हैश सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और ये मैंने यहां पर बना दिया है जेनरिक, ओके। हैश सेट इंटीजर HS इक्वल्स टू न्यू अगेन हैश सेट, ओके। अब मैं क्या करूंगा, फॉर ईच लूप लगा दूंगा, फॉर ईच लूप मैंने कर दिया है एंड नंबर कॉलन ARR1 और फिर मैं क्या करूंगा, HS.addNumber। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया है, ARR के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर आते जाएंगे, नंबर के अंदर, और हर एक एलिमेंट वो ऐड होता जाएगा हैश सेट के अंदर, ओके।
देन सेकंड स्टेप में क्या कर दूंगा, एआरआर टू के एलिमेंट्स को भी इसके अंदर एड ऑन करना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, सिंपली फॉर एंट नंबर कॉलन एआरआर टू, एआरआर टू के एलिमेंट्स को भी मैं यहां पर क्या करूंगा, एच एस डॉट एड नंबर, मैं क्या करूंगा इसके अंदर एड ऑन करना स्टार्ट करूंगा। बट अगर नंबर डुप्लीकेट है तो ये एड नहीं कर पाएगा, क्लियर है जिस। तो यहां देखना ये एड जो है ये क्या है, सेट का मेथड है जो क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है, बुलियन। ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, बुलियन। तो अगर नंबर एड हो जाता है, अगर नंबर एच एस के अंदर है सेट के अंदर सक्सेसफुली एड हो जाता है तो ये क्या आउटपुट देगा, ट्रू। और अगर एड नहीं होता है तो ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, फॉल्स, क्लियर है जिस। तो मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, जो भी आउटपुट है मैं उसको क्या कर दूंगा, बुलियन के अंदर एड ऑन करवा दूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया, बुलियन बी इक्वल्स टू एच एस डॉट एड। और फिर मैं यहां पर क्या कर दूंगा, इफ कंडीशन लगा दूंगा, इफ अगर बी की वैल्यू फॉल्स है, मैंने क्या करवा दिया यहां पर, अगर बी की वैल्यू फॉल्स है डेट मीन्स के वो वाला एलिमेंट इसके अंदर है सेट के अंदर एड नहीं हो पाया, तो डेट मीन्स के वो डुप्लीकेट है। और फिर मैं क्या करवा दूंगा, उसको प्रिंट करवा दूंगा। तो मैंने सिंपली यहां पर क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर, क्लियर है। और फिर यहां पर फॉर लूप वो यहां पर क्लोज हो जाएगा और ये एक और फॉर लूप, क्लियर है। तो ये यहां पर मैंने क्या कर दिया है, सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन मैंने क्या कर दिया है, एरे वन के एलिमेंट्स को हैश सेट के अंदर ऐड करवा दिया, एरे वन के एलिमेंट्स को हैश सेट के अंदर ऐड करवा दिया, ओके। देन सेकंड स्टेप पर मैं क्या कर रहा हूं, एरे टू के एलिमेंट्स को मैं इसके अंदर एड ऑन कर रहा हूं। तो एड ऑन करते टाइम पर मैं चेक करूंगा कि वो क्या आउटपुट देगा, वो ट्रू आउटपुट देगा या फॉल्स देगा। ट्रू आउटपुट कब देगा, जब वो एलिमेंट सक्सेसफुली इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। अगर वो एड ऑन नहीं करता है तो ये क्या आउटपुट देगा, फॉल्स। और एड ऑन कब नहीं करेगा, जब वो वाला एलिमेंट ऑलरेडी एच एस के अंदर है तो वो एड नहीं करेगा, तो फॉल्स आउटपुट दे देगा। देन मैं कंडीशन लगा दूंगा कि अगर आउटपुट जो ये वाला बी है अगर ये फॉल्स के इक्वल है तो मैं क्या कर दूंगा, उस वाले नंबर को प्रिंट करवा दूंगा, क्लियर है। तो ये वाला लॉजिक था जिसके थ्रू हम लोग दोनों एरे के अंदर कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। बट इसके अंदर मैंने एज्यूम क्या किया था कि दोनों एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना हो, इसके अंदर भी कोई डुप्लीकेट एलिमेंट ना हो और इसके अंदर भी कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ओके। बट अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है, अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल यहां पर फोर और, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, फोर यहां पर भी और फोर यहां पर भी, फिर हम लोग सिंपली क्या लॉजिक पार्ट लगा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इस वाले एरे के एलिमेंट्स को हैश सेट वन के अंदर ऐड कर दूंगा, ओके। देन इस वाले एरे के एलिमेंट्स को हम लोग हैश सेट टू के अंदर ऐड ऑन करवा देंगे, क्लियर है। और फिर मैं क्या करूंगा, इसके एलिमेंट्स को मैं इसके अंदर ऐड ऑन करवाता चला जाऊंगा। तो देखो जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे वो तो इसके अंदर तो ऐड ऑन होंगे, तो इसके अंदर 4, 3, 7, 9 and 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 इसके अंदर ऐड ऑन नहीं होगा बिकॉज 4 ऑलरेडी है। देन मैं क्या करूंगा, 5, 1, 4, 8 and 3 इसके अंदर ऐड ऑन करवा दूंगा, ओके। और फिर मैं क्या करूंगा, एच एस टू के एलिमेंट्स को मैं एच एस वन के अंदर एड ऑन करवाता चला जाऊंगा, ओके। अगर वो ऐड कर देता है, सेम लॉजिक यहां पर भी था, अगर वो ऐड कर देता है दैट मींस वो कॉमन एलिमेंट नहीं है, आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, वो ट्रू। बट अगर वो ऐड ऑन नहीं करता, जैसे फोर ये इसके अंदर ऐड ऑन नहीं करेगा बिकॉज 4 ऑलरेडी है, तो मैं क्या करवा दूंगा, 4 को प्रिंट करवा दूंगा, क्लियर है। तो अगर एरे के अंदर डुप्लीकेसी है फिर हम लोग ये वाला लॉजिक पार्ट लगा सकते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ओके। तो ये दोनों लॉजिक एक बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो देखो मैंने यहां पर एक न्यू क्लास ले ली, यहां पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है दो एरेज को और यहां पर मैं क्लास का नेम भी चेंज कर देता हूं, ओके। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले एक हैश सेट
क्रिएट करूंगा, हैश सेट इंटीजर एच एस इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। मैंने यहां पर क्या किया, हैश सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और सबसे ऊपर मैं क्या करूंगा, हैश सेट को इंपोर्ट करवा दूंगा। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट हैश सेट, हैश सेट क्लास को मैंने यहां पर इंपोर्ट करवा दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फॉर ईच लूप लगा दूंगा, डेट इज इंट नंबर कॉलन ए आर आर वन। मैं क्या करूंगा, एरे वन के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करूंगा और उनको हैश सेट के अंदर ऐड करवाता चला जाऊंगा। हर एक एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, हैश सेट के अंदर ऐड करवा दूंगा। ओके, अब इसके अंदर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स ही हैं, सारे के सारे दोनों एरे के अंदर यूनिक एलिमेंट्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट मैंने यहां पर क्या किया, एक और फॉर लूप लगा दिया, डेट इज एंट नंबर कॉलन ए आर आर टू। अब मैंने क्या किया, एरे टू के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर दिया, इसके एलिमेंट्स को मैंने ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया और इसके भी हर एक एलिमेंट को मैं एच एस के अंदर एड करवाता चला जाऊंगा। तो मैंने यहां पर भी लिख दिया एच एस डॉट एड नंबर। ओके, बट अगर डुप्लीकेट होगा तो ये आउटपुट क्या प्रोवाइड कर देगा, फॉल्स। तो मैंने यहां पर क्या करवा दिया, इसकी आउटपुट को बूलियन बी बी के अंदर स्टोर करवा दिया, और फिर मैं यहां पर इफ कंडीशन लगा दूंगा, इफ बी की वैल्यू अगर फॉल्स है दैट मीन्स के वो वाला एलिमेंट ऐड नहीं हुआ, और वो वाला एलिमेंट क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर, दैट मीन्स के वो वाला नंबर क्या है, डुप्लीकेट है, बिकॉज हैश सेट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करता, और अगर आप हैश सेट के अंदर ऐड करोगे तो आउटपुट क्या प्रोवाइड कर देगा, वो फॉल्स। तो फॉल्स अगर आउटपुट होती है तो डुप्लीकेट, और मैंने नंबर को यहां पर प्रिंट करवा दिया। ओके, तो इस वाले प्रोग्राम को भी हम लोग कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर सेव किया, प्रोग्राम को सेव किया, देन मैंने यहां पर कंपाइल किया जावा सी स्पेस कॉमन एलिमेंट्स टू डॉट जावा। मैंने क्या किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया, देन जावा स्पेस कॉमन एलिमेंट्स टू। तो ये देखो, ये प्रिंट करवा रहा है फोर एंड थ्री, फोर एंड थ्री ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं यहां पर। ओके, अगर यहां पर डुप्लीकेसी है, फॉर एग्जाम्पल फोर आ गया, देन यहां पर मैंने फाइव कर दिया, तो फिर ये देखो यहां पर क्या है, फोर तो ठीक है, फोर एंड थ्री ही आउटपुट आएगा, बाकी कुछ भी आउटपुट नहीं आनी चाहिए। तो चेक करें एक बार ये क्या आउटपुट देता है। मैंने यहां पर प्रोग्राम को कंपाइल किया, देन अगेन रन किया, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, फोर थ्री एंड फाइव, ये क्या कर रहा है, फाइव को भी ये कॉमन एलिमेंट बता रहा है दोनों एरे के अंदर, जबकि फाइव कॉमन एलिमेंट नहीं है। क्यों बता रहा है, बिकॉज इस केस में इसने क्या किया था, फाइव तो इसने एड ऑन कर दिया था, ये देखो फाइव इसने एड कर दिया, बट दोबारा से जब फाइव मिला तो ये उसको एड नहीं कर पाएगा और उसको भी कॉमन एलिमेंट में प्रिंट करवा दे। क्लियर है चीज। तो ये वाला लॉजिक पार्ट तभी करेक्ट है जब दोनों एरे के अंदर यूनिक एलिमेंट्स है। क्लियर है चीज। अगर दोनों एरे के अंदर कुछ इस टाइप से एलिमेंट्स है, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक और न्यू क्लास ले लेता हूं, कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने यहां पर थ्री ले लिया है क्लास का नेम, और यहां पर मैंने क्लोज कर दिया है क्लास को और मेन मेथड को। अब यहां पर आप क्या करो, हैश सेट, मैं यहां पर क्या करूंगा, हैश सेट क्रिएट कर दूंगा, एच एस वन इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। मैंने क्या कर दिया, हैश सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, देन मैं एक और हैश सेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं एच एस टू के नेम से। ओके, और फिर मैंने यहां पर क्या कर दिया, सबसे पहले फॉर लूप एरे वन के एलिमेंट्स को एंट नंबर ए आर आर वन, एरे वन के एलिमेंट्स को मैंने किसके अंदर एड ऑन करवा दिया, एच एस वन के अंदर मैंने एड करवा दिया। दैट मीन्स के जैसे फोर है तो फोर जब दोबारा से फोर एड होगा तो वो नहीं हो पाएगा, तो एच एस वन के अंदर सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स ही आएंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ये डुप्लीकेसी जो है इस एरे से रिमूव हो जाएगी। ओके,
देन अगेन मैंने क्या कर दिया, एक और फॉर लूप लगा दिया, एंट नंबर कॉलन ए आर आर टू। तो एरे टू के एलिमेंट्स को भी मैं क्या करूंगा, हैसेट टू के अंदर एड ऑन करवा दूंगा, क्लियर है चीज। और एट लास्ट मैं यहां पर क्या कर दूंगा, एक और फॉर लूप मैंने यहां पर लगा दिया, एंट नंबर कॉलन एच एस टू। मैं क्या करूंगा, एच एस टू के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करूंगा और एड करवाता जाऊंगा मैं किसके अंदर, एच एस वन के अंदर मैं नंबर्स को एड ऑन करवाता चला जाऊंगा। अगर कॉमन एलिमेंट हुआ जो एच एस टू के अंदर है और एच एस वन के अंदर भी है तो वो वाला नंबर एड नहीं होगा एच एस वन के अंदर। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, बुलियन वैल्यू ले लूंगा और फिर मैं यहां पर कंडीशन लगा दूंगा, इफ बी इक्वल्स टू फॉल्स दैट मीन्स के वो कॉमन एलिमेंट है। तो मैंने यहां पर क्या प्रिंट करवा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर, मैंने क्या करवा दिया है उस नंबर को यहां पर प्रिंट करवा दिया, क्लियर है चीज। तो ये वाला प्रोग्राम भी हम लोग एक बार कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। मैंने प्रोग्राम को सेव किया कॉमन एलिमेंट्स 3.java के नेम से, देन अगेन मैंने जावा सी स्पेस कॉमन एलिमेंट्स 3.java कंपाइल किया, देन जावा स्पेस कॉमन एलिमेंट्स 3। तो ये देखो ये क्या आउटपुट दे रहा है, 3 and 4, जबकि यहां पर 5 डुप्लीकेसी 3 एरे के अंदर डुप्लीकेसी है तो वो भी अगेन रिमूव कर रहा है। ये वाला फॉर लूप क्या कर रहा है, एक एरे की डुप्लीकेसी रिमूव कर रहा है। ये वाला फॉर लूप क्या कर रहा है, ये दूसरे एरे की डुप्लीकेसी रिमूव कर रहा है और एच एस टू के अंदर एलिमेंट्स को एड करवा रहा है। और फिर एट लास्ट में क्या करूंगा, एच एस टू के एलिमेंट्स को मैं एड करवा दूंगा एच एस वन के अंदर। अगर वो एड ऑन नहीं होता है तो वो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। और अगर फॉल्स है तो मैं क्या करूंगा, वो वाले एलिमेंट को प्रिंट करवा दूंगा, क्लियर है ये चीज। तो ये वाला लॉजिक पार्ट हर एक के लिए सही है, चाहे लिस्ट के अंदर डुप्लीकेसी हो या ना हो, ये वाला लॉजिक पार्ट हर एक के लिए सही ढंग से एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहां पर मैंने आप लोगों को दो लॉजिक पार्ट एक्सप्लेन कर दिए। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि लिस्ट के अंदर दो एरे के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान ये रखना कि ये वाला लॉजिक पार्ट किस चीज के लिए है, अगर लिस्ट के अंदर दोनों एरे के अंदर डुप्लीकेसी नहीं है, इस वाले एरे के अंदर यूनिक ही एलिमेंट्स हैं, 4 दोबारा से रिपीटेड नहीं है, इसके अंदर भी कोई डुप्लीकेसी नहीं, तो फिर जाकर आपका ये वाला लॉजिक पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बट अगर डुप्लीकेसी है, किसी भी एरे के अंदर डुप्लीकेसी है, तो फिर आपको ये वाला लॉजिक पार्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये लॉजिक पार्ट लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया था, एक एरे के एलिमेंट्स को हैश सेट 1 के अंदर पुट करवा दिया, दूसरे एरे के एलिमेंट्स को मैंने हैश सेट 2 के अंदर पुट करवा दिया। तो ये वाला लॉजिक पार्ट किस लिए था, ताकि दोनों एरे के अंदर डुप्लीकेसी रिमूव हो जाए। यहां देखो, यहां पर 4 डुप्लीकेट था बट एचएस के अंदर कोई डुप्लीकेसी नहीं है, बिकॉज हैश सेट जो है वो यूनिक एलिमेंट ही स्टोर करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करता। अगेन हैश सेट 2 के अंदर भी डुप्लीकेसी नहीं है, क्लियर है चीज। और फिर मैं क्या करूंगा, हैश सेट 2 के एलिमेंट्स को इसके अंदर एड ऑन करवा दूंगा, जिसके लिए अगेन सेम लॉजिक पार्ट ही लगेगा जो ये वाला लॉजिक पार्ट है और ये वाला लॉजिक पार्ट है, क्लियर है चीज। तो आई होप अब आप लोगों को ये दोनों लॉजिक पार्ट समझ में आ गए होंगे जो मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।